नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के 25 क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए और दूसरे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो मॉडर्न केमिस्ट्री की जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर कौन है? लेवाई सीए। अगला, रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ माना जाता है? तो केमिस्ट्री का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ का माना जाता है? मिस्र। अगला, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तीन तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, सेकेंड हो जाएगा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम नहीं है इसका, तीसरा जो होगा वो होगा नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तीन तत्व कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगला है, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो टोटल अभी 118 एलिमेंट है जो कि अभी तक ज्ञात हुए हैं। अगला, घी जो हीरा है तथा ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं? तो अधात्विक कार्बन के अपर रूप हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो आता है पहले नंबर पर तो वो हो जाता है हीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे जो हल्का तत्व होता है वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? 1, और एटॉमिक नंबर वो भी 1 होता है। और इसके तीन प्रमुख जो अवयव होते हैं वो होते हैं 1s, 1, 1h2 और 1h3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, इसका सिंबल क्या होता है? Li। एक अगला है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो होता है ऑस्मियम। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है? तो Ag है, वो मतलब चांदी, जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं। ओके, तो सिल्वर, एक क्वेश्चन बनता है कि सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमक वाली धातु कौन सी होती है? तो चमक वाली धातु कौन कौन सी है? हीरा है, ग्रेफाइट है और आयोडीन है। अगला, वायु किन पदार्थों का मिश्रण होता है? तो वो होता है गैस और जलवाष्प का मिश्रण। अगला, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो बना होता है वो बना होता है तांबे और जस्ते से। नेक्स्ट है कि अल्कोहल और जल का मिश्रण कैसा मिश्रण होगा? तो अल्कोहल में अगर जल को हम लोग मिक्सचर करें तो क्या बनता है? वो बन जाता है समांगी मिश्रण। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो होता है वो अम्ल राज में घुल जाता है। अगला, किस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? मतलब जो किसी परमाणु के जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर। गामा किरणें हैं तो ये ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो जो ऊर्जा प्रोड्यूस करती हैं वो होती हैं गामा किरण। अगला, शुद्ध जल का पीएच होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो होता है 7, मतलब 7 जिसका होता है वो होता है उदासीन। तो अगला, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन क्या होता है? ग्रेफाइट। अगला, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो वो होता है 260 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो मैं आगे के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट पर बेस है, ये मतलब उसको हम लोग देख लेते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण होता है? तो वायु दाब में कमी कारण। तो मतलब जैसे जैसे कि आप पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है वो अपने सेंटर की ओर खींचती है, और जैसे जैसे कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर जाती जाती है तो वो ग्रेविटी से फ्री होती जाती है, इसीलिए जो होता है वायुदाब होता है कम होता है, और जो ग्रेविटी के कारण जो रिफिल में स्याही पेन में स्याही होती है वो भरी रहती है, बट जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती जाती है वो जो स्याही होती है पेन में भरी वो निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है।
क्योंकि अगर दाब होगा तो जो बर्फ होती है वो गलने के उसके थोड़े चांसेस कम होते हैं, इसीलिए क्या होता है वो दो बर्फ के टुकड़े हैं तो इसी कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि क्यों होता है? वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब कम होता जाता है। तो उसी प्रकार जो आग होती है, आग लगाते हैं, किसी चीज़ को पकाते हैं, तो जल जो होता है उबलता कम है और जो उबलने का जो बिंदु होता है वो इसीलिए नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्योंकि दाब बढ़ना है, जब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है और दाब क्या होता है? तो दाब अगर बढ़ेगा तो जो प्रेशर कुकर में सब्जी होंगी तो वो जल्दी उबल जाती हैं, अगर दाब ही नहीं होगा तो घंटों लग जाएंगे तब भी सब्जियां नहीं उबलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण होती है? तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं, गोल क्यों होती हैं? तो वो होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? तो वो केशकत के कारण जो होता है वो तेल चढ़ जाता है। जैसे कि कोई पानी है, उसकी जड़ है जमीन में, तो वो पानी कैसे अवशोषित करती हैं? केशकत के कारण ऊपर चढ़ती हैं। नेक्स्ट है कि पास आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति बढ़ती है, इसका कारण क्या होता है? डॉपलर प्रभाव, क्योंकि अगर डॉपलर प्रभाव होगा तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी रेलगाड़ी की सीटी की वो बढ़ जाती है, इसीलिए हमें सीटी सुना पड़ जाती है। ओके, अगला, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि हवा की अधिकता के कारण बाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं हमारे सब्सक्राइबर। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आपको अगला पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं आपको इसका अगला पार्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।